यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से को न्यू खतरनाक गेम प्ले वीडियो में। तो दोस्तों, आज की गेम प्ले वीडियो ट्रैक्टर का वही बनाया, अपना जो अपना फर्स्ट ट्रैक्टर था उस पर ही वीडियो बनाई है। क्योंकि दोस्तों, आज हम डिफाइन करने वाले हैं सारे कंट्रोल्स के बारे में, वो भी न्यू मैप के। तो दोस्तों, यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो फुल देखना यार, और कमेंट्स करना यदि कोई दिक्कत आए तो, लेकिन कमेंट्स एंड में ही करना। और दोस्तों, इस समय व्यूज बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं, इसकी वजह से दोस्तों यार सपोर्ट करो अपने भाई को। और दोस्तों, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, उसे लास्ट में बताऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट कॉर्नर से। तो यहाँ पर आता है अपना स्पीडोमीटर, जिसमें ये स्पीड बताता है कि कितनी फास्ट चल रहा है, देखो। और साथ में सुनी भी बताता, बोले तो हम लोग वाली। तो दोस्तों, ये है बूस्ट, जो ऐसे मतलब ऐसे अगर फुल रेस दे के आप बूस्ट दबाओगे तो पटाखे मारता है, उसको मारा पटाखे। दोस्तों, इसके ऊपर है घड़ी लगी हुई, जिसका कोई काम नहीं है खास, कुछ काम नहीं बोले तो। अब आता अपना कस्टमाइज ऑप्शन, तो कस्टमाइज ऑप्शन पर जाए गए था। तो दोस्तों, यहाँ जाते ही ये किसी भी सिचुएशन में हो इसके ब्रेक लग जाते हैं ऑटोमेटिक्स, और दोस्तों रेस ऑटोमेटिक कम हो जाती, कोई कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रहता। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे लेफ्ट कॉर्नर में चार ऑप्शन मिल गए आपको, व्हील्स, स्टेयरिंग, कॉन्फिग, कलर्स। तो दोस्तों, इसमें आपको जाना है व्हील्स में। और दोस्तों, यहाँ पर फ्रंट चैम्बर ऑप्शन है, रियर चैम्बर का मतलब लेफ्ट साइड चार हैं, राइट साइड भी चार हैं, और दोस्तों बीच में उनकी मतलब वो ये लिखी हुई है कि ये कितने परसेंट हो चुका है, कितने परसेंट करना है मतलब उसके नीचे। और उस सबसे नीचे एक ऑप्शन है चेंज व्हील्स का, जिसमें आप इसमें व्हील्स कार के या फिर कैसे भी टायर डाल सकते हैं, आप जैसा मर्जी चाहें। ए टू जेड मतलब ट्रैक्टर के एक्सल में टायर्स के, कार्स के टायर, और दोस्तों मोनोस्टर ट्रक के टायर कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी मर्जी करे। लेकिन वो दोस्तों बहुत ही छोटे टायर होते हैं, उसमें सुराग बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो दोस्तों, फ्रंट चैम्बर का जो काम है लेफ्ट कॉर्नर सबसे ऊपर वाले का, उसका काम है अगले पहियों को टेढ़ा सीधा करना, बोले तो जैसे देखो एक्सल अंदर बाहर करना, ये काम है इसका। तो दोस्तों, जैसे कि मतलब सिचुएशन ऐसी है कि टायर फंस गए हैं और दोस्तों पहिया टेढ़ा उड़ा करने से निकल सकता है ट्रैक्टर वहाँ से, दोस्तों आप यहाँ आकर फ्रंट चैम्बर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आती है बैक चैम्बर, रियर चैम्बर के बारे में, लेफ्ट साइड के रियर चैम्बर के बारे में। तो दोस्तों, रियर चैम्बर में आप पिछले टायर्स को अंदर बाहर कर सकते हैं, देखो पिछला टायर अंदर बाहर हो रहा, जैसे कि यदि पिछला टायर कहीं फंस जाए तो दोस्तों ऐसा कर सकते हैं, और बाई चांस ज़्यादा स्लिप मारे तो टेढ़ा टायर करके आप वहाँ से निकल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब गाइस आते हैं फ्रंट सस्पेंशन स्प्रिंग कोच पर, इससे क्या है कि इसके मतलब इसके स्प्रिंग्स कहाँ हैं, स्प्रिंग सस्पेंशन, तो दोस्तों उसका फोर्स का सिस्टम है कि आप कितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं। यदि आप उसको ज़्यादा करेंगे तो ट्रैक्टर ज़्यादा स्प्रिंग लेगा, जैसे कार लेती है, दोस्तों कम कर देंगे तो बिल्कुल स्प्रिंग नहीं लेगा, ठीक है दोस्तों। इसका ये काम है, और रियर चैम्बर का पिछले टायर के कम स्प्रिंग कम ज़्यादा करने का काम है। अब आते गाइस बात फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन स्प्रिंग डैम, रियर सस्पेंशन स्प्रिंग डैम। तो दोस्तों बात करते हैं राइट कॉर्नर मतलब राइट साइड फ्रंट सस्पेंशन, इसका काम है ट्रैक्टर के अगले एक्सल उठाने, ये देखो ट्रैक्टर कितना भी ऊँचा उठ सकता है, ये देखो ये टायर उठा ली, ये नीचे निकाल दी, लाइका प्रेशर जैसे प्रेशर काम कर रहा है ना दोस्तों, ऐसे ही स्प्रिंग टायर से। और दोस्तों पिछले टायर्स के बारे में बात करें हम, तो दोस्तों पिछले टायर्स का भी आप ऐसे ही सस्पेंशन आसमान में उठा सकते हैं, तो देखो पूरा ट्रैक्टर ही उठ गया, और ये नीचे डाल सकते हैं, ये फिर से उठा सकते हैं दोस्तों, और ये फिर से गिरा सकते हैं, ये है ट्रैक्टर के जैक्स का काम। और दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन का काम कोई खास नहीं है, इस पर आप कुछ नहीं मतलब बोले तो कोई काम नहीं इसका खास। अब बात आती है दोस्तों लेफ्ट कॉर्नर वाले चार ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन की, बोले तो स्टीयरिंग ऑप्शन, तो स्टीयरिंग ऑप्शन पर टच करती हैं आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, PCS, ABS, ESP, SH, इनमें इसका कोई काम नहीं, सब चीज में आपको ऑन मिलेंगे। और दोस्तों लिमिट स्टीयरिंग, काउंटर स्टीयरिंग, इसका कोई खास काम नहीं, मतलब इसका काम है कि यदि यहाँ पे मतलब एकदम से ट्रैक्टर को काटना चाहते हैं तो दोस्तों ये टिक लगा सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं टिक हटा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इन्हें ऑन ऑफ ही रहने देता हूँ, और आप आते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पर कॉन्फिग पर। तो दोस्तों कॉन्फिग पर आपको ट्रैक्टर की कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें अपना स्वराज की मैक्सिमम स्पीड 140,
मैक्सिमम ब्रेक है 10,000, मैक्सिमम टॉर्क है 1500। और दोस्तों इसमें तीन ऑप्शन मिलेंगे, अगले टायर से जोर लगाने वाला, पिछले से जोर लगाने वाला, फॉरवर्ड में जोर लगाने वाला या रिवर्स में जोर लगाने वाला, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसे यदि आपका ट्रैक्टर टूट गया है बाई चांस तो रिपेयर पर टच करके आप उसको रिपेयर करा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और दोस्तों आपको गियर खुद चेंज करने हैं या फिर कुछ मतलब आप चाहते हैं कि गियर मैं रियलिस्टिक की तरह लगाऊं, तो दोस्तों आप ऑटो ट्रांसमिशन को ऑफ या ऑन कर सकते हैं जैसा कि आपकी मर्ज़ी। और दोस्तों आप क्लच के काम कर रहे हो कि क्लच कितने फास्ट काम करे, यदि क्लच ज़्यादा फास्ट काम करेगा ट्रैक्टर ज़्यादा उठेगा, मतलब जगह पर से टॉर्क एकदम झटके से क्लच छोड़ेगा जैसे रियल में अपन चाहते हैं, और दोस्तों वैसे ही सिस्टम है। ऐसे ही आप गियर शिफ्टिंग का जुगाड़ से कर सकते हैं, यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि गियर एकदम से ही लगे जैसे रियल में लगाते हैं कि कभी भी कभी तेज लगाते हैं कभी धीरे उस टाइप से, तो दोस्तों आप गियर शिफ्टिंग थ्रेशोल्ड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ इस साइड आपको 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बोले तो 5 टिक्स, इस पर आप टिक लगा कर भी रख सकते हैं नहीं भी। यदि आपको टर्बो ऑन ऑफ करनी तो वो कर सकते हैं, एनओएस कैन ऑन ऑफ करनी वो कर सकते हैं, आरईवी लिमिटर ऑन ऑफ करना कर सकते हैं वो कर सकते हैं, एग्जॉस्ट फ्लेम मतलब धुआं निकलने वाला, यदि धुआं निकलता हुआ देखना चाहते हैं तो दोस्तों टिक लगा कर रखें, नहीं चाहते तो टिक हटा दें। ग्रेजुअल गैस का मतलब है एक्सीलेटर का ऑप्शन आ जाएगा, रेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से चलाते हुए टाइम। अब आप बात करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती जा रही है तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, फुल डिफाइन कर दूंगा स्केट, वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चौथे ऑप्शन का बात करते हैं कलर्स पर, कलर्स पर हम गए तो यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, हेडलाइट कलर, व्हील स्मोक कलर। व्हील स्मोक कलर का मतलब है जैसा आप दरख्त खजेड़ते हैं नीचे से धूल उड़ती है, तो उस धूल का कलर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। तो दोस्तों ये तीन कलर हैं, और हेडलाइट कलर का भी सिस्टम ऐसे ही है, उसमें भी आप ऐसे ही इन तीन कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि हेडलाइट का कलर चेंज हो रहा है, ऐसा सिस्टम। तो दोस्तों आप इसके धुएं को देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू स्मोक पर टिक लगाएं, और फिर इसकी फ्लेम्स देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस पर भी टिक लगाएं। अब दोस्तों यहाँ पर चले जाएंगे हम ड्राइव ऑप्शन पर, हो गया काम डील डन। अब आता अपना दूसरा ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन का नाम ही ऑप्शंस है, तो दोस्तों ऑप्शंस पर जाते हैं। यहाँ पर आप स्पॉन व्हीकल में किसी व्हीकल को स्पॉन कर सकते हैं, उस पर टच करके जैसे कि मैंने HMT पर टच करा, स्पॉन कर दिया तो अपना दोस्तों HMT आ चुका रेडी चलने के तैयार। और ऐसे ही अपन जैसे बस पर कर देते हैं तो बस आ गई, ये देखो दोस्तों आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी फंसे पड़े हैं कैसे भी कुछ भी कोई सा भी ट्रैक्टर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे जॉनडियर करना है जॉनडियर आ गया। और दोस्तों UI बटन्स में आप कंट्रोल्स को सेट करते हैं कर सकते हैं, UI बटन्स, एक्सीलेटर, स्टेयरिंग व्हील, जोस्टिक कर दी मैंने, तो दोस्तों ऐसा आगे पीछे को ऐसे स्टेयरिंग काट सकते हैं इसका, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे स्टेयरिंग कट जाएगा इसका, ये ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मुझे स्टेयरिंग व्हील ही सही है ये तो। और हुड कलर्स का मतलब है कि आप मीटर के कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखो ठीक है दोस्तों, ये इसका काम है मीटर चेंज करना, ये ठीक है दोस्तों। मैंने मीटर्स का कलर रेड कर दिया है, आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों बताएं कि आपको कैसा लग रहा है या आपको फेवरेट कलर कैसा है। तो ये चारों वही ऑप्शन है जो मैंने आपको कस्टोमाइज में थर्ड वाले ऑप्शन में बताए थे, तो दोस्तों ये वही ऑप्शन है, इनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब आता है अपना रीस्टार्ट का ऑप्शन, रीस्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल रीस्टार्ट पर आ जाएगा, जो कार इसमें बिल्ट हुई होगी पहले ही, मतलब जो हमने सबसे पहले जो ऐड की थी जो चीज़, मतलब जिस हिसाब से हम इसे मैनेज करेंगे रीस्टार्ट करके वही व्हीकल आ जाएगा। तो हमने इस समय ये अपनी DJ कार कर रखी, यदि आप रीस्टार्ट करेंगे तो ये आएगी, और दोस्तों उसके हिसाब से। और क्लोज का मतलब है यहाँ से मतलब गेम में से आउट होना, जो हम होना नहीं चाहते और आपको भी नहीं होना है, मतलब गेम खेलना है, मज़े लेने हैं क्योंकि दोस्तों आपके लिए ही तो बनाया है गेम। और सेलेक्ट बिहेवियर टाइप, ये जो सिस्टम है सिमुलेटर ड्रिफ्ट रेसिंग, इसका मतलब है दोस्तों आप इसको रेस में मतलब रेस करना चाहते हैं, आपको कहीं जल्दी जाना है तो दोस्तों आप रेसिंग ऑप्शन कर सकते हैं, यदि आपको स्टंट करने हैं तो ड्रिफ्ट में कर सकते हैं, यदि आप रेतीले मैदान में जहाँ पर ये कार इस समय खड़ी है ऐसे में तो दोस्तों सेमी आर्चेड में कर दें, और दोस्तों आप गार्डन में हैं तो दोस्तों फन पर कर दें, बस यही ऑप्शन है। और दोस्तों एक ऑप्शन रह गया अपना ट्रैक्टर मॉडिफिकेशंस का, तो ट्रैक्टर मॉडिफिकेशंस में आपको पहले ट्रैक्टर को ही लाना होगा, ये अपना स्वराज आ जा आ गया,
दोस्तों अब बात करते हैं टेक्टो मॉडिफिकेशन ऑप्शन के बारे में। इसमें आपको मैंने पहले इसके बारे में बताया, टोली अनइंस्टॉल कर दी, स्टंट मोड हटा दिया, बम्पर हटा दिया, फाइबर रोड हटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इस समय अपना ट्रैक्टर एकदम सिंपल हो गया। देखो दोस्तों, और दोस्तों अभी इसमें दिखाते हैं आपको इसकी लाइट्स के ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, अलर्ट ऑप्शन और लाइट। तो दोस्तों अब आप क्लिक करते हैं सबसे पहले राइट पर। दोस्तों राइट वाला मतलब लेफ्ट पर करते हैं तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर मतलब स्टार्ट हो गया डिप करने स्टार्ट। और दोस्तों आपकी इधर भी मिल सकते हैं, अभी आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। देखो अपना बल रहा है आराम से, और देखो डैशबोर्ड मीटर पर, टॉर्क वाले मीटर पर आ भी रहा है कि अपना कौन सा इंडिकेटर दे रखा है आपने। और दोस्तों राइट वाले कर देंगे तो राइट वाला, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ नहीं समझ आएगा राइट वाला। और अलर्ट पर कर देंगे तो आप दोनों आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोनों और स्क्वायर लाइट वाले ऑप्शन पर कर देंगे तो लाइट बल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये वही लाइट्स हैं जिनका आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने इस समय वाइट और मतलब वाइट और येलो का थोड़ा मिक्स कर रखा है, तो उस वैसा ही आ रहा है बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस पर गियर मतलब ये ऑटो ट्रांसमिशन हटा हुआ है, तो गियर आप अपने हिसाब से हटा बढ़ा सकते हैं। देखो तीसरा इसमें चार गियर हैं, और दोस्तों लाइट इस समय ऑन है, ये यहाँ बूस्टर है मतलब ये ऐसे वाले हैंडल में हैंडल करके बूस्टर है। और दोस्तों ये ब्रेक हैं, स्टंट मोड यदि अपन ऑन कर देंगे मतलब यहाँ से अगर स्टंट मोड ऑन कर दें और दोस्तों गियर कर लें पहला, तो दोस्तों आप इसको टेस्ट करके ब्रेक पर बना सकते हैं। और भाई लोग आगे रह गया अपना कैमरा सेंसिटिविटी ऑप्शन, तो दोस्तों कैमरा सेंसिटिविटी ऑप्शन पर आप क्लिक करके इसका फ्रंट ये ऐसा वाला भी देख सकते हैं, और ऐसा वाला व्यू देख सकते हैं थर्ड व्यू। तो दोस्तों ये है अपना फोर्थ व्यू, बोले तो एक टाइप की सिनेमेटिक सीन यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों चौथा सीन है ये बिल्कुल ऊपर से फ्रंट सीन। ठीक है दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना था आपको। होप करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करते दिए होंगे। आपका इतना समय देने के लिए मुझे धन्यवाद। तो दोस्तों ये मैं होप करता हूँ आपने वीडियो फुल देखी हो, जिसने भी मेरे वीडियो फुल देखी हो तो भाई थैंक्स यार, बहुत दिल से थैंक्स यार, बहुत ज़्यादा थैंक्स।